आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। श्रावस्ती जनपद में सुबह 8 बजे से चल रहे गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया है। जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि जिले के सभी 5 ब्लॉक मुख्यालयों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है, जहां 2337 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला अधिकारी नेहा प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह सुबह 8 बजे से ही जनपद के सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर जायजा ले रही हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 18.78% मतदान संपन्न हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक लगातार सुबह 8 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराने के लिए लगातार भ्रमण कर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन 2023 का जो चुनाव है उसको जनपद में निर्विघ्न खत्म कराने के लिए संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 3 जोन और 5 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और हर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ हम लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई है और आवश्यक पुलिस बल हम लोग को प्रोवाइड कराया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक उपनिरीक्षक और उसके साथ और भी पुलिस बल लगाया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान स्थल ड्यूटी में एक उपनिरीक्षक, 2 आरक्षी और 2 महिला आरक्षी और साथ में 1.5 सेक्शन PAC का व्यवस्थापन किया गया है, जिसमें जनपद में कुल 2337 मतदाता हैं, जिसमें से 1862 पुरुष हैं और 475 महिला मतदाता हैं। मेरे द्वारा स्वयं सभी 5 केंद्रों का भ्रमण करके जैसे सिरसिया, भिंडा, इकोना, निलौला, इन सभी का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है और हम लोग प्रयासरत हैं कि इस पूरे चुनाव को हम लोग निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराएंगे। यही हम लोग का